निकला था 24 में जिला गुरु जी ग्रहण करते हैं। वो आज जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज कॉलेज के माध्यम अध्यक्षता में मनाई जा रही है। उनके आवास पर तमाम लोग आज उनको श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। ऐसे में शैलेश कुमार क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं सर, आज ये जयंती मनाई जा रही पूरे देश दुनिया में, कर्पूरी ठाकुर की क्या कहना चाहेंगे? कर्पूरी ठाकुर को जो पदवी मिली है जन नायक की, वो एक अनपैरेलल पदवी है। उनका जो जीवन शैली है, आज तक उस जीवन शैली का कोई विकल्प नहीं होता है। लोग उनकी चर्चा करते हैं, उनका पुण्यतिथि और जयंती मनाते हैं, लेकिन उस पर अमल ना के बराबर करते हैं। और उससे भी एक बहुत चिंता की बात है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जिनके अंदर एक ललक है कि हम राजनीति करें, सत्ता के नज़दीक जाएं, हम पावर पावें, यहाँ तक तो ठीक है, ना तो वो उनका अनुसरण करते हैं और दिनों दिन कर्पूरी ठाकुर के नाम से लोग वाकिफ भी नहीं। क्योंकि मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी से हमको निर्देश मिला कि आज उनके जयंती को मनाया जाए। इसी दरमियान जब मैं उनके जीवनी में गया तो मैं भी उतना विस्तृत नहीं जानता था, क्योंकि पार्टी के निर्देश का हमने पालन किया और पालन करने के दरमियान जो निर्देश था, जो आज हमको टास्क मिला, उस टास्क को पूरा करने में मुझे उनके विस्तृत जानकारी हुई, कई तरह की घटनाएं हुई। वो विदेश गए, उनका पटना रोड था, एयरपोर्ट था, उनके लड़के सीरियस थे, भर्ती थे, और इंदिरा जी उनको एक राजसभा सांसद भेजे कि विदेश इलाज हो, लेकिन वो सरकारी खर्चे पर अपने बेटे का इलाज कराना सही नहीं समझे। वही बात हमारा लड़का मर जाएगा, लेकिन मैं सरकारी खर्चे का इलाज नहीं कराऊंगा। तब स्वर्गीय मैया जी ने चंदा करके उनके लड़के को विदेश भेज के इलाज कराया। तो इस तरह के जो विभूति है, इस तरह के दृष्टि से अनुसरण की जरूरत है। हमारे जो अभी केंद्रीय मंत्री है आशीष जी जी सर, वो हमें उद्घोषण में एक जगह कहे थे, अगर राजनीति करनी है तो पुस्तक का अध्ययन करें। पुस्तक का अध्ययन करने से बहुत सारी बातें अच्छी बातें मिलती है, लेकिन आज के जो हमारे जो रीति जो अभी माहौल है, पुस्तक अध्ययन करने का कोई ना लालसा है, ना समय है, ना रुचि है। तो जो कुछ भरे हुए हैं क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, आज युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए कि सत्ता में भागीदारी होना आवश्यक है। अगर आज असमानता है, आज अराजकता है, तो मेरे समझ से जितने जो विश्वव्यापी समाज का और सामाजिक वो गोषी नहीं है, उससे अधिक वैसे जो जिनकी समाज के मर्यादा है वो गोषी। समाज सेवी पूर्व प्रिंसिपल रामोदार सिंह जी, झाड़ा के जाने माने समाज सेवी भाई मुन्ना साह जी, विनोद यादव और पूजा कपार जी, हमारे साथी भैया
अब फोटो भी अड़ ली है, क्या बता मैं आपको इतना।